भैया देखो बुक में आपको कॉजिटिव वर्ब दी है, आप देख सकते हैं, सब अटेंशन पहले यहां दो। कॉजिटिव वर्ब अगर आप समझते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर काम करते नहीं आप, काम किसी से करवाते हैं। मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, आई गेट इंग्लिश स्पोकन, तो ऑब्जेक्ट जो है पहले आएगा फिर वी थ्री आएगा। मैं अपना घर साफ करवाता हूं, आई गेट माई हाउस क्लीन्ड, आई गेट माई हाउस क्लीन्ड, मैंने अपना घर साफ करवाया, आई गॉट माई हाउस क्लीन्ड, मैं अपना घर साफ करवाऊंगा, आई विल गेट माई हाउस क्लीन्ड, मैं अपना घर साफ करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड, मैं अपना घर साफ करवा रहा था, आई वॉज गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड, मैं अपना घर साफ करवा रहा हूँ, आई विल बी गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड, मैंने अपना घर साफ करवाया है, आई हैव गॉट माई हाउस क्लीन्ड, मैंने अपना घर साफ करवाया था, आई हैड गॉट माई हाउस क्लीन्ड, और मैंने अपना घर साफ करवाया होगा, आई विल हैव गॉट माई हाउस क्लीन्ड, है ना। तो इस तरीके से ये आपको दिया है। अब देखो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस दिया है, हमने उससे घर साफ करवाया। अब यहां पर पर्सन भी दिया है आपको, तो इसकी दो इंग्लिश बना सकते हो। हमने करवाया तो वी मेड हिम, अब ये भी लिख सकते हो, वी मेड में बनाना चाहो तो मेड में बना दो, वी मेड हिम क्लीन द हाउस, ये क्लीन द होम। दूसरा आप अगर गेट में बनाओगे तो बनेगा वी गॉट द होम क्लीन बाय हिम, ठीक है, ये दोनों ध्यान देना। इसमें चूंकि उससे पर्सन दिया था इसलिए हमने इसको मेड में बना दिया, मेक में बना दिया, और दूसरा हमने इसको गॉट में बनाया तो ये जो हिम है ये लास्ट में बाय लग के चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनेगा वी मेड हिम क्लीन द होम, या फिर वी गॉट द होम क्लीन बाय हिम। सेकेंड, तुम हर महीने बाल कटवाते हो, यू गेट योर हेयर कट एवरी मंथ, एवरी मंथ मतलब हर महीने, ठीक है। यू गेट योर हेयर कट या यू गेट हेयर कट एवरी मंथ, तुम हर महीने जो है बाल कटवाते हो। हमने मकान पेंट करवा लिया है, क्या कहोगे, वी हैव Got the house या got the home painted, ठीक है। We have got the house painted, हमने मकान पुतवा लिया है, पेंट करवा लिया है। वह दो दिनों से मेकअप करवा रही है, she, अब सोच लो दो दिन से मेकअप करवा रही है तो कितना मेकअप लगा लिया होगा उसने। She has been getting her makeup done for 2 days. एक बार मिलाओ सभी। She has been getting, getter लिख दिया मैंने, getting कर लेना इसको। She has been getting, getting के बाद object आएगा her makeup, और ये V3 आपका do did done, done for 2 days, वह दो दिन से अपना मेकअप करवा रही है। नेक्स्ट, वे रोड की मरम्मत करवा रहे थे, तो दे वर, ठीक है ना, वे रोड की मरम्मत करवा रहे थे, क्या बोलोगे, दे वर गेटिंग द रोड रिपेयर्ड, मरम्मत करवाने के लिए जो वर्ब होती है वो होती है रिपेयर, तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म होगी रिपेयर्ड। दे वर गेटिंग द रोड रिपेयर्ड, उन्होंने खाना बनवा लिया था, दे हैड द फूड कुक्ड, दे हैड गॉट द फूड कुक्ड। इसके बाद है राघव घर बिकवा चुका होगा, तो राघव विल हैव गॉट द हाउस, राघव विल हैव गॉट द हाउस सोल्ड, क्या बोलोगे बोलो, राघव विल हैव गॉट द हाउस सोल्ड, राघव घर बिकवा चुका होगा, उन्होंने खाना बनवा लिया था, सो दे हैड गॉट द फूड कुक्ड, ठीक है, दे हैड गॉट द फूड कुक्ड, इस तरीके से बनेगा आपका। तो भैया ये था आपका, गेट इन मॉडल वर्ब्स भी आपको दे दी है, उसके बाद में हम लिखवा सकते हैं वी कैन गेट रिटर्न, ये भी आप कर लेंगे, कोई बड़ी डील नहीं है।
हम लिखवा सकते हैं, क्या कहोगे? वी कैन गेट रिटर्न. अगर मैं कहूं हम इसे लिखवा सकते हैं तो वी कैन गेट इट रिटर्न, या इट आ जाएगा बीच में. हम इसे लिखवा सकते हैं, वी कैन गेट इट रिटर्न. हम 2000 सेंटेंसेस लिखवा सकते हैं, वी कैन गेट 2000 सेंटेंसेस रिटर्न. राइटिंग लिख दिया मैंने, रिटर्न आएगा, याद रखना. रिटर्न क्यों आ रहा है भैया? क्योंकि राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट रॉट रिटर्न. उन्हें घर साफ करना करवाना चाहिए. दे शुड गेट द हाउस क्लीन्ड. क्या लिखेंगे बोलो? दे शुड गेट द हाउस क्लीन्ड. उन्हें घर साफ करवाना चाहिए. हमें प्रैक्टिस करवाना है. वी हैव टू गेट द प्रैक्टिस डन. वी हैव टू गेट द प्रैक्टिस डन. हमें प्रैक्टिस करवानी है. वी हैव टू गेट द प्रैक्टिस डन. रोहन को मकान पेंट करवाना है. रोहन हैज टू गेट द हाउस पेंटेड. क्या बोलोगे? रोहन हैज टू गेट द हाउस पेंटेड. तुम्हें पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा. यू विल हैव टू गेट पार्टिसिपेटेड. सेंटेंसेस को ध्यान से देखो. यू विल हैव टू गेट पार्टिसिपेटेड. उन्हें गेम्स खिलवाने पड़ेंगे. क्या आप कहोगे? दे विल हैव टू, दे विल हैव टू गेट द गेम्स प्लेड. गेम्स के बाद में प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड आएगी, ठीक है ना? याद रखना, गेट के बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में वी थ्री, ठीक है ना? जब ऐसे समझ के करोगे तो गलती के चांसेस पूरे कम हो जाएंगे भाई. चलो बाकी तुम कर लेना ये, है ना? अब ऐसे ही आपके मेक स्टार्ट हो गए हैं. यहां पर ये मेक के सेंटेंस दे दिए आपसे. तुम मुझसे काम करवाते हो, यू मेक मी डू वर्क, ठीक है ना? उसने मुझसे कपड़े धुलवाए, बताओ क्या बनेगा? जरा फटाफट बनाओ तो मेक में. तुम मुझसे काम करवाते हो, यू मेक मी डू वर्क. उसने मुझसे कपड़े धुलवाए, ही मेड मी वॉश क्लॉथ. याद रखना, जो पर्सन है वो बीच में आएगा मेक के बाद. देख लो अब, मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है. माई मदर बनवाती है, तो मेक्स हो जाएगा. मेक्स मी, ये देखो फिर मी आया. क्या करवाती? खाना बनवाती, कुक फूड. माई मदर मेक्स मी कुक फूड. हम तुमसे घर साफ करवाएंगे. वी विल मेक यू क्लीन द होम, ठीक है? मैंने उससे लेटर लिखवाया था. आई हैड मेड हिम राइट द लेटर, ठीक है? मैंने उससे लेटर लिखवाया था. मैंने कंप्यूटर उससे ठीक करवाया है. आई हैव मेड हिम रिपेयर द कंप्यूटर, ठीक है? मैं उससे दो दिनों से सेंटेंस बनवा रही थी, तो आई हैड बीन मेकिंग हिम मेक सेंटेंसेस फॉर टू डेज. अब मेकिंग किसके लिए? पॉजिटिव वाला. और मेक सेंटेंसेस किसके लिए? जो आप बनवा रहे हो वो सेंटेंस. तो भैया सारे सब कुछ इजी है जब आप सही वे में चीजों को समझ गए हो तब, नहीं तो सारी चीजें उतनी ज्यादा टफ है, डिफिकल्ट है. मेक और गेट के बीच में क्या अंतर है बता दिया मैंने आपको डिटेल में. ये अंतर को समझ के अगर सॉल्व करोगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है. मेक समवन लाफ, मेक समवन स्पीक, मेक समवन डांस, मेक समवन टीच, मतलब मेक के साथ पर्सन आता है. और गेट जो होता है, गेट समथिंग रिपेयर्ड, गेट समथिंग फिक्स्ड, गेट समथिंग ब्रोकन, गेट समथिंग फिनिश्ड, है ना? सो दिस इज गेट. एक्चुअली गेट के साथ में जो वस्तु है या जो चीज है जिस पर काम हुआ है ना, वो आती है गेट के साथ में, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में किस तरीके से आपको चीजें वर्क कर रही हैं, है ना? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा. चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं.